हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम आपके लिए दिखाएंगे कि लोडर की टॉय प्लेट कैसे लगाते हैं, लोडर की हार्ड फेसिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास जेसीबी मशीन है इस समय आई हुई, तो उसकी टॉय प्लेट यानी कि आगे की जो लोडर की जो प्लेट होती है जिसमें दांते लगाते हैं वो बिल्कुल है ही नहीं, अपने आप साइड पर ही यानी कि उखड़ के गिर गई है। और साइड वाली जो प्लेट होती है पीछे लोडर की लगी हुई जिन्हें हार्ड फेसिंग करके जो लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घिसी हुई हैं। तो अभी हम आपके लिए दिखाते हैं वीडियो में। तो ये है लोडर जेसीबी का, लोडर बकेट जैसे बोलते हैं। तो इसमें नीचे प्लेट है ही नहीं, आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा लोडर दिख रहा है देखने में। और ये जो साइडे वाली प्लेट है ये भी पूरी घिसी हुई है। ये भी प्लेट पूरी खराब हो गई है और इसकी टॉय प्लेट भी नीचे की जो दांते जिसमें लगते हैं वो भी प्लेट इसमें नहीं है। तो इसकी आज हम प्लेट लगाएंगे ऊपर की, हार्ड फेसिंग करेंगे और यानी कि जो दांते लगते हैं जिस प्लेट में टॉय प्लेट वो भी सेट करेंगे। तो हम आपके लिए दिखाएंगे वीडियो में कि कैसे इन प्लेटों को लगाते हैं, हार्ड फेसिंग कैसे करते हैं और ये टॉय प्लेट यानी कि जो लोडर वाली प्लेट है वो कैसे लगाते हैं। तो टॉय प्लेट लगाने से पहले सबसे पहले हम जो पुरानी वाली जो प्लेट लगी हुई है ऊपर ये वाली, इनके लिए हम गैस कटर से काट के पहले इनके लिए हटाएंगे, फिर उसके बाद में इसकी टॉय प्लेट लगाएंगे हम बिल्कुल साफ करके अच्छे से आपके लिए दिखाएंगे आगे वीडियो में। बने रहे हमारे साथ, वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इसमें। तो गैस कटर से काट काट के तीन प्लेट हटा दिए हैं, लास्ट वाली प्लेट रह गई है वो सभी काट का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम कटिंग की भी वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए लास्ट वाली प्लेट जब काटेंगे तो हम आपके लिए दिखा देते हैं कि कैसे काटते हैं प्लेट के लिए। बाकी हमने तीन प्लेट ये हटा दिए। चारों प्लेट हमने हटा दी है पुरानी वाली। तो लोडर बकेट की हार्ड फेसिंग के लिए प्लेटें आ गई हैं, यानी कि पीछे वाले बकेट के लिए भी है प्लेटें आई हैं और आगे वाले लोडर के लिए भी। मोटाई भी आप देख सकते हैं इसकी, करीब 16 mm की प्लेट है ये, चार प्लेट है ये, चार लगेंगी ये लोडर पे आगे वाले पे और ये लगेंगी पीछे, ये है 10 mm की, ये पांच प्लेट है। तो अब लोडर की हम प्लेट की सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं। इधर हमारे पास में ये लोडर की प्लेट रखी हुई है तो हम प्लेट के लिए लगाएंगे। उससे पहले हमने लोडर के लिए सीधा कर लिया है और दो ईंटें रख ली हैं दोनों साइडों से, इन ईंटों के ऊपर प्लेट के लिए रखेंगे फिर लोडर सीधा करके फिर इसकी सेटिंग करेंगे हम प्लेट की, प्लेट के लिए मिलाएंगे आपके लिए मिलाते हुए भी दिखाएंगे। जो लोडर की प्लेट हमने ईंटों के ऊपर रख ली है अब हम इसके लिए मिलाते हैं।
लोडर की यानी कि जो प्लेट होती है उसकी सेटिंग कर ली है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ भाई लोग क्या करते हैं, लोडर के लिए पूरा अलग कर लेते हैं मशीन से और फिर उल्टा करके टोल प्लेट लगाते हैं ऊपर से जो रख के। तो वो तरीका जो है, हालांकि सब अपना अपना जो ऐसा भी तरीका जिसके लिए आता है टोल प्लेट चेंज करने का वो लोग वैसे करते हैं, लेकिन जो सही तरीका है टोल प्लेट चेंज करने का वो यही है कि बिल्कुल यानी कि लोडर के लिए सीधा रख के और वहाँ पे इस तरीके से अगर ईंट है तो ईंट लगा लो, ईंट अगर गुटके हैं लकड़ी के तो गुटके भी लगा के आप दोनों साइडों से और बहुत ही आसानी से प्लेट की सेटिंग आप कर सकते हो और मेहनत भी कम पड़ेगी आपके लिए। आपको ये नहीं है कि 4-6 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपके साथ में एक हेल्पर होना चाहिए और आप खुद जो है इस प्लेट के लिए बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से लगा सकते हो प्लेट के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए वेल्डिंग का टांका बीच बीच में लगा के इस प्लेट की सेटिंग कर लेते हैं, फिर लोडर की पलटी मार के चेक कर लेंगे कहीं से प्लेट ऊंची नीचे तो नहीं है, फिर उठा के पूरी जो है वेल्डिंग मार लेंगे हम दोनों तरफ से इसकी। तो टोय प्लेट चेंज करते समय सबसे पहले हमें जो है इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि प्लेट यानी कि ये दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए कोने पर, जैसे उधर भी वहाँ भी और यहाँ पे भी, मतलब कि ये नहीं है कि एक ही तरफ प्लेट निकल जाए। कभी कभी क्या होता है प्लेट लगाते समय एक तरफ से प्लेट ज़्यादा हो जाती है और एक तरफ से प्लेट कम हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। दोनों साइड से प्लेट जो टोय प्लेट है ये बराबर रखनी है। लोडर की यानी कि जो प्लेट होती है उसकी सेटिंग कर ली है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ भाई लोग क्या करते हैं लोडर के लिए पूरा अलग कर लेते हैं मशीन से और फिर उल्टा करके टोल प्लेट लगाते हैं ऊपर से जो रख के। तो वो तरीका जो है, हालांकि सब अपना अपना जो ऐसा भी तरीका जिसके लिए आता है टोल प्लेट चेंज करने का वो लोग वैसे करते हैं, लेकिन जो सही तरीका है टोल प्लेट चेंज करने का वो यही है कि बिल्कुल यानी कि लोडर के लिए सीधा रख के और वहाँ पे इस तरीके से अगर ईंट है तो ईंट लगा लो, ईंट अगर गुटके हैं लकड़ी के तो गुटके भी लगा के आप दोनों साइडों से और बहुत ही आसानी से प्लेट की सेटिंग आप कर सकते हो और मेहनत भी कम पड़ेगी आपके लिए। आपको ये नहीं है कि 4-6 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपके साथ में एक हेल्पर होना चाहिए और आप खुद जो है इस प्लेट के लिए बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से लगा सकते हो प्लेट के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए वेल्डिंग का टांका बीच बीच में लगा के इस प्लेट की सेटिंग कर लेते हैं, फिर लोडर की पलटी मार के चेक कर लेंगे कहीं से प्लेट ऊंची नीचे तो नहीं है, फिर उठा के पूरी जो है वेल्डिंग मार लेंगे हम दोनों तरफ से इसकी। तो आगे से यानी कि ऊपर की साइड से भी इसमें वेल्डिंग के हमने टांके मार लिए हैं यानी कि प्लेट की सेटिंग करके। अब हम देखते हैं पीछे की साइड से लोडर को यानी कि बंद करवा के पीछे की साइड से कहीं से प्लेट टेपर तो नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी ऊपर से आप प्लेट के लिए पूरा मिला लोगे बराबर तो पीछे से कोई मतलब नहीं होता कि प्लेट टेपर हो जाए। अगर टेपर होगी तो आपका यहीं से पता पड़ जाएगी ऊंची नीचे की। तो अभी हम लोडर के लिए बंद करवा के भी आपके लिए दिखा देते हैं एक बार। बंद करो, पूरा लोडर बंद। अब आप देख सकते हैं मतलब किसी भी साइड को प्लेट यानी कि बेंड नहीं दिख रही है और आप ये जो गैप देख रहे हैं इतना इसमें, तो इसके ऊपर जो प्लेट लगी हुई होती है उसके बिल्कुल लेवल से यानी कि प्लेट आती है ये, लेकिन ये प्लेट अभी मैंने हटा दी है। उसके लिए मैंने ये 16 mm की प्लेट मंगवाई है, तो जब इनके ऊपर ये प्लेट लगाऊंगा मैं ऊपर चारों जगह, तो ये बराबर बिल्कुल ये जितना गैप है इतनी ही प्लेट की मोटाई है, तो बिल्कुल ये इस तरीके से बराबर हो जाएगी। तो अभी हमारी प्लेट की यानी कि सेटिंग हो गई है टोल प्लेट की। अब हम जो बड़ी वाली जो प्लेट मंगाई है हार्ड फेसिंग के लिए उन प्लेटों के लिए लगाएंगे, फिर दिखाएंगे आपके लिए। तो ये जो चौड़ी वाली प्लेट है इनकी भी हमने
सेटिंग कर ली है चारों प्लेटों की। प्लेट की तो ऑलरेडी नीचे वाली जो प्लेट है इसकी, इस वाली प्लेट की हमने पहले सेटिंग कर ली थी, मतलब जगह जगह वेल्डिंग के टाके लगा कर हमने, फिर ऊपर से चौड़ी वाली प्लेट के लिए रोक रखा है वेल्डिंग के टाकों से, मतलब हल्का हल्का वेल्डिंग से ये चारों प्लेटों की सेटिंग कर ली है। अब इसकी हम जो है वेल्डिंग कर देंगे इन प्लेटों पर, जो चौड़ी वाली प्लेट है सारी में, सारी प्लेटों की अब वेल्डिंग उनकी हो जाएगी। तो आप ये प्लेट देख रहे हैं, यहाँ से भी बिल्कुल अब बराबर हो गई है, जब वेल्डिंग होगी तो ये बिल्कुल लेवल में प्लेट हो जाएगी इसकी। तो लोडर की हार्ड फेसिंग भी कर दी है लोडर की, तो प्लेट भी हमने ये नीचे वाली लगा दी और हार्ड फेसिंग भी इसकी कर दी है पूरे, तो लोडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये प्लेट भी लगा दी और नीचे से हार्ड फेसिंग भी कर दी। जब ये मशीन आई थी तो बिल्कुल बहुत ही छोटा लोडर दिख रहा था, क्योंकि टॉय प्लेट जो है, आगे वाली जो प्लेट है, ये ऑलरेडी पहले से टूटी हुई थी। अब जाके कुछ लोडर अच्छा लगा है। नीचे से भी बिल्कुल अब मजबूत हो गया है, अब इसमें जो है कई सालों के लिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी।